Good morning, Shiva. Good morning, sir. Just a second. चलिए, विजिबल है स्क्रीन आपको? यस सर। ऑलराइट, चलिए कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म किया था, राइट? तो ज्योमेट्री वाला पार्ट हमारा थोड़ा खत्म हो गया। अब नाउ विल बी एंटरिंग इनटू न्यू टॉपिक, दैट इज योर इनइक्वालिटीज। जस्ट अ सेकंड। Okay, we'll be talking about inequalities. अब inequalities basically समझने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया equations का होना चाहिए कि equations आपके quadratic equations क्या होते हैं, polynomials क्या होते हैं, binomials क्या होते हैं, right? variables क्या होते हैं basically. Just a second. Okay, ठीक है, तो we'll be talking about variables, right? तो हमने पहले भी देख लिया, coordinate geometry भी हमने भी observe किया कि x and y में हम अपनी equations बनाते हैं, right? जहां पे y mostly हम यूज करते थे लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड कुछ इक्वेशन यहाँ पे रहती थी जिसमें एक्स का फंक्शन बन जाता था, राइट? तो हमने बोल दिया था कि यार ये क्या है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट? अब हम क्या करेंगे, हम इनको मिला के कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और उन इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे, राइट? कि देखो, अगर मैं इनइक्वालिटीज इन जनरल आपको समझाने की कोशिश करूं तो आई कैन जस्ट टेक यू टू दिस नंबर लाइन, दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। एंड इनइक्वालिटीज अगर दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि यार एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो आप यहां पे ये बहुत आराम से बता सकते हो कि आपका एक्स एंड वाई का कुछ ये रिलेशन होगा। ये नंबर लाइन पे कहां पे लाई कर रहा होगा ये क्लियर नहीं है, बट हमें ये पता है कि यार y पहले आएगा, x फिर आएगा इस नंबर लाइन पे, इस साइड पे, राइट साइड पे x रहेगा, लेफ्ट साइड पे y रहेगा। क्यों? क्योंकि यार ये नंबर लाइन कुछ इस तरह से चलती है कि इसके बिल्कुल सेंटर पे ओरिजिन रहेगा, जीरो रहेगा, एंड देन वी मूव टू द राइट हैंड साइड विद पॉजिटिव इंटीजर्स एंड वी मूव विद लेफ्ट हैंड साइड विद नेगेटिव इंटीजर्स। ऑब्वियसली इन इंटीजर्स के बीच में आपके फ्रैक्शंस, डेसिमल्स वो सारे भी रह सकते हैं, बट मोस्टली हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, हम इंटीजर्स को लेके चलते हैं, ठीक है? तो ये नंबर लाइन हमें बताती है कि कौन सी क्वांटिटी से बड़ी है। अब इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, अगर कोई डायरेक्ट नंबर्स दे रखे हैं तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी है, राइट? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दो नंबर दे रखे हैं, फाइव एंड टू, तो यू नो कि यार फाइव आपका टू से आगे रहता है ना, एंड फाइव इज ग्रेटर देन टू, नथिंग टू वरी, है ना? एंड अगर आपको सपोज नेगेटिव में भी दे रखे हैं माइनस टू माइनस 4.5, तो आपको पता है कि यार जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड नेगेटिव में है उतना ज्यादा आप लेफ्ट में रहोगे, तो माइनस टू माइनस 4.5 कुछ इस तरह से रिलेट करेंगे, ठीक है? तो नाउ इसके बाद हमें
इंक्लूड किसको करना होता है, हमें अपनी इक्वेशंस को इंक्लूड करना होता है कंपैरिजन के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4x + 3 6x - 8 दे रखा है एंड यू नीड टू टेल केयर इसमें से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, या फिर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि बताओ एक्स की कौन सी क्वांटिटी चूज करें ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. तो आपको इन इक्वेशंस को, इन इक्वालिटीज को सॉल्व करना होगा. तो आपका मेन प्रॉब्लम होगा सॉल्विंग इनइक्वालिटीज. ठीक है जी. जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर हमने सॉल्व किया तो व्हाट वी कैन डू इज कि हमने एक्स वाली टर्म्स को एक साइड कर लिया, तो 6x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया तो ये आपका -2x बन गया एंड देन बाकी इक्वेशन एज इट इज है. एंड देन वी हैव मूव्ड 3 टू राइट हैंड साइड. इस केस में 3 को राइट हैंड साइड पे ले गए तो वो आपका -11 बन गया. एंड देन वी हैव अ प्रॉपर्टी जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा भी कि अगर हम नेगेटिव साइन ड्रॉप करते हैं इनइक्वालिटी में तो साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी. ठीक है जी. तो ये कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हो. देन वी हैव फ्यू प्रॉपर्टीज. ठीक है जी. ये दीज आर नॉट समथिंग जो आपको डिस्कस करने की जरूरत है. दीज आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रॉपर्टीज एंड ये हमें पता भी होता है ना कि दो पॉजिटिव नंबर्स को जब आप प्रोडक्ट लोगे तो वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव. ठीक है जी. कि अगर 2 या 4 या 6 इवन नंबर्स नेगेटिव नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएंगे एंड अगर ऑड नंबर्स करोगे तो वो नेगेटिव रहेंगे. सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नेगेटिव. द नंबर रेज्ड टू एन इवन एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. देन लेट्स मूव टू एब्सोल्यूट वैल्यूज. एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होता है, जिसको हम मॉड बोल देते हैं. राइट. मॉडुलस के अंदर अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ एक्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड्स कंसिडर कर लेता हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू. मैग्नीट्यूड और इसको क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है. कि अगर मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल मॉड 3 दे दिया तो मॉड 3 की वैल्यू भी 3 होगी एंड माइनस 3 मॉड की वैल्यू भी 3 होगी. राइट. तो यहाँ पे आपका बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 0 से 3 का डिफरेंस, ये वाला पार्ट. एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 0 से -3 का मैग्नीट्यूड. ये बेसिकली बता रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर आप कितना डिस्टेंस मूव कर चुके हो. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट जब आप इस एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते. तो ये भी आपको वो बता रहा है कि 3 यूनिट मूव कर चुके हो, ये भी आपको बता रहा है 3 यूनिट मूव कर चुके हो. डायरेक्शन हमें पता नहीं लग रही, डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं होगी. डायरेक्शन क्लियर होगी ये साइन देखने से. तो अगर नेगेटिव साइन है तो लेफ्ट साइड 3 यूनिट हम मूव कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव साइन है तो राइट साइड 3 यूनिट हम मूव कर रहे हैं. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर्स. ठीक है. देन लेट मी जस्ट टेक यू टू सम हायर ऑर्डर इनइक्वालिटीज. ठीक है. नाउ दीज इनइक्वालिटीज हैव वेरिएबल्स हूज एक्सपोनेंट्स आर ग्रेटर देन 1. ठीक है. एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, दैट इज पावर्स. Powers are greater than 1. जैसे यहाँ पे x² + 4 < 2, x³ - 9 > 0. The number line is often helpful in solving these type of inequalities. अब देखो, for example हमें इसको solve करना है. For which value of x this statement is true. Mostly आपको इस तरह के questions आपको पूछे जाएंगे. ठीक है. तो अगर हम इसको observe करते हैं, तो then again what you need to do is you have to consider it as a equation. तो इसको equation create करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम inequality के sign को हम equal to के sign में convert कर लेंगे. ठीक है.
सबसे पहले मैं इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट कर लूंगा एंड देन विल फॉर्म अ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती है, हालांकि मैंने आपको इक्वेशन अभी पढ़ाई नहीं है, वो मैं पढ़ा दूंगा, बट आई बिलीव कि वो इक्वेशन हम कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में सॉल्व करनी सीखते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पुशिंग द टॉपिक टू द लास्ट। अदरवाइज आपको ये इक्वेशन अब सॉल्व करनी आती है, आप क्या करते हो इसके फैक्टर्स बना लेते हो, राइट? तो इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से बन जाएंगे एंड देन यू कैन जस्ट फॉर्म द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना? अदरवाइज आपको वैसे भी रूट्स निकालने आते होते हैं इस इक्वेशन के। चलो वी विल गो इनटू दैट एंड टॉक अबाउट इट, ठीक है? तो आपको पता लग गया x माइनस फाइव एंड x माइनस वन जब मैं पुट करता हूं तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, ठीक है? नाउ द थिंग कम्स के यार आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि आप नंबर लाइन पे इनइक्वालिटी को कंपेयर कर रहे थे। अगर आप इक्वल टू को कंपेयर कर रहे होते तो ये दो वैल्यूज के साथ ये इक्वेशन ट्रू हो जाती, माइनस फाइव एंड माइनस वन के साथ, ठीक है? नाउ द ओनली नंबर्स एट विच द एक्सप्रेशन कैन चेंज साइन आर माइनस फाइव एंड वन, माइनस वन। सो माइनस फाइव एंड माइनस वन डिवाइड द नंबर लाइन इंटू थ्री इंटरवल्स, तो आपके पास तीन इंटरवल्स आ जाएंगे यार। या तो आप माइनस फाइव से लेफ्ट हैंड साइड की बात करोगे, एक मिनट मैं ना दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ ऑन द लैपटॉप, यहाँ पे ना बैटरी एकदम खत्म है, तो एक मिनट में दोबारा लॉग इन करना। ओके ओके सर।